धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद मेरे राजा। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, दयावंत, अति करुणा भर, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सब कुछ का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसी की बड़ाई करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपको कि आपने हमें अपने बेटे देकर हमारे जो रिश्ता है फिर से ठीक किया। हम उसको याद करते हैं पिताजी, उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके दुख उठाने का, क्रूस पर मरने का और फिर पुनरुत्थान होने का। उसी ताकत से, वही विश्वास से आज हम चलते हैं प्रभु कि हमारा जो रास्ता है वो सही मार्ग पे जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ रहे। और जैसे अपने सभा के आगाज करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंपते जो कुछ यहाँ से होगा वो कुछ भी नहीं परंतु आपके बड़ाई के लिए, कोई चीज़ के बड़ाई के लिए, कोई प्रशंसा नहीं प्रभु परंतु आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो, आपकी आदर हो, आपकी महिमा हो। क्योंकि आप योग्य परमेश्वर, आपको छोड़ो कोई प्रभु है नहीं। प्रार्थना सुनने वाला पिताजी हमारे हमारे साथ सर्वदा रहता है। तो आपके आशीष रहे प्रभु, अपने बच्चों पर, क्वाया पर आशीष देना, आवाज देना प्रभु, सुर देना, हर तरह से आशीष देना प्रभु। धन्यवाद आपके लोगों यहाँ पे आए पिताजी, समय निकालकर हम सब मेल मिलाप करके आपके यहाँ धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो प्रभु ये सभा को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते हैं, जो आते हैं रास्ते में सही सुरक्षित लेके आना पिताजी, ताकि समय पे आकर जो कुछ हम खाते पीते वो भी खाए पिए और तंदुरुस्त हो प्रभु, तगड़ा हो आत्मिक रूप से, ये आपकी भलाई हो। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को स्वागत करते, जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा जो परमेश्वर है वो हम लोगों को सब कुछ देता है, ही इज द लॉर्ड दैट प्रोवाइड्स, ही इज द लॉर्ड दैट हील्स। प्रेज द लॉर्ड, वो चंगाई देता है, वो हमारा मुक्ति दाता है, हमारा विधाता है। तो हम तालियों के द्वारा गीतों को गाएंगे, ताली को बजाएंगे, महिमा को करेंगे, हाथों को उठाएंगे, और जैसे इस गीत को गाते हैं क्यों ना हम साथ में मिल जाए और आवाज को उठाए, तू ही यहोवा, तू ही यहोवा जायरा, तू ही यहोवा रफे हो। हालेलुया, जोर से ताली को बजाए, परमेश्वर की महिमा को करें।
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जो हमारे साथ में है, हम सब कुछ की सामना कर सकते हैं। अपनी रूह से हम लोगों को भरता है, प्रभु की जय। अपने आत्मा से हम लोगों को भरता है, शांति को देता है, और मुक्तिदाता हमारा परमेश्वर ही है। हम परमेश्वर के जो साथ में हो लेते हैं, हर एक चीज की सामना कर सकते हैं, अपने दुश्मनों की सामना कर सकते हैं, अपने मुसीबतों की सामना कर सकते हैं। और जब जब विश्वास कम हो जाता है, उस समय भी परमेश्वर हम लोगों को मदद करता है। तो आज हम मिलकर हालेलुया गाएंगे, मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। चाहे कुछ भी आपके जीवन में है, मुसीबत तकलीफ है, दुख है, आप उसके बारे में भूल जाए, दुख को तकलीफ को बताए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा है। और हालेलुया की गीतों को गाएंगे, महिमा को करेंगे अपने मुसीबतों में भी से, और परमेश्वर हम लोगों को जरूर से निकालेगा। विश्वास से इस गीत को हम गाते हैं, हाथों को उठा ले, तालियों को बजाए, परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। के बीच ऊंचा और ऊंचा
परमेश्वर की महिमा को करें और जरूर से वो दूर हटेगा भागेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में, यीशु हमारे साथ में है, और जब जिंदा खुदा हमारे साथ में है तो जीत हमारी ही होगा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड दिस मॉर्निंग। परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं प्यारे लोग, अपने दिल को आज हम खोलें, जैसे और गीतों में हम जाएंगे आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करें। कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके बारे में ख्याल को रखता है, आपकी भलाई को चाहता है, हमारे सोचने से भी ज्यादा परमेश्वर हम लोगों को देता है, इतना प्रेम वो करता है, और उस प्रेम की ओर आज हम अपने नजर को उठाएं और परमेश्वर की धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं, धन्यवाद को दें, पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर की स्तुति को करें। अपने हाथों को उठा ले प्यारे लोग, धन्यवाद की भेंट मिलकर चढ़ाएंगे। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम। परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज हम आते हैं, स्तुति के गीत को गाते हैं।
को करे। हम पापी मनुष्य परमेश्वर से क्षमा को मांगे। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हमें माफ को करता है, हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र को करता है, अपने गले से हम लोगों को लगा लेता है, हमारे जीवन को भरपूरी से भरता है, अपने आशीषों से भरता है। तो आज क्यों ना हम महिमा करें उसकी, क्यों ना आराधना को करें, अपने आवाज को उठाए घर लोग, इस आराधना के गीत को गाए, उसकी स्तुति और प्रशंसा को करे, और जैसे महिमा करते हैं परमेश्वर की आग जो आज हमारे ऊपर बरसे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम भर जाए, उसके जो सामर्थ्य उससे हम भर जाए, उसके हम शांति से भर जाए, परमेश्वर के प्यार को महसूस करे, पवित्र आत्मा में लोलीन हो जाए। Oh Lord, now let your power in this place, as we worship your name this morning, let your spirit overflow, let your power overflow, let your anointing overflow, let everyone that is here receive from you. Oh, forgive us of our wrongdoings, oh God, for you are a merciful God, and you are just and faithful to forgive us of our sins if only we will repent and ask for forgiveness. अरे लोग, पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों को जांचे, हमारे जीवन को जांचे, परमेश्वर से विनती करें कि दिखाए कहां पर हमने गलती को किया, कहां पर सुधार लेकर आना है, किस चीजों को अपने जीवन में से निकाल कर फेंकना है, ताकि हम पाक को पवित्र हो जाए एक बार फिर से और उसकी पवित्र आत्मा में भर जाए। गीत कहता है कि वो हम लोगों को क्षमा करता है, उस दया को आज हम परमेश्वर से चाहे। Let us desire that mercy of the Lord. Let us ask to be forgiven of all our wrongdoings. Hallelujah. There's no shame in this. कोई भी शर्माने की बात नहीं है जब हम परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझको माफ कर दे, मैं कमजोर हूँ, प्रभु तू माफ कर दे। और परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों के जीवन बदल देता है जब हम ऐसे आते परमेश्वर के दीन और नम्र बनकर और कहते हैं प्रभु मैं खुद से नहीं जी सकता, मैं खुद से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता और मैं गिर गया हूँ, मैं फिसल गया हूँ, लेकिन प्रभु तू आज माफ कर दे, अपने लहू से धोकर पाप को पवित्र कर दे और अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि अपने इस जीवन को हम जी सके और परमेश्वर की महिमा जो है हमारे जीवन में से हो सके। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम, वी वर्शिप योर नेम, वी वर्शिप योर नेम, वी वर्शिप योर नेम। प्रभु जी हम तुझको धन्यवाद को देते हैं, इस सभा के लिए धन्यवाद, जितने भी लोग आज यहां खड़े हुए हैं प्रभु उनके लिए धन्यवाद, हमारे मन से हर एक शर्म हर एक डर को हटा दे मेरे प्रभु जी, ताकि हम खड़े होकर तेरे नाम की महिमा प्रशंसा कर सकते हैं, आवाज उठाने में नहीं डरेंगे, हाथों को उठाने में नहीं डरेंगे, गीत गाने से नहीं डरेंगे, तेरे वचन को पढ़ने के लिए नहीं डरेंगे, लेकिन प्रभु सर्वदा के लिए हर वक्त हर समय तैयार करेंगे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले। हर एक को तो अपने पवित्र आत्मा के अभिषेकता से भर देना, अपने सामर्थ्य से भर देना, प्रभु जीवन को बदल देना, हर एक जो शैतान के काम है उसको हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, दुष्टरी जो शैतान है उसको हम धुतकारते हैं, अपने पैरों तले उनको कुचलते हैं प्रभु जी, और यीशु के नाम से आज हम कहते हैं कि हमारा जीवन जो है प्रभु का है, हमारा जो जीवन में सिर्फ प्रभु का राज होगा, हमारे जो जीवन में सिर्फ यीशु मसीह का राज होगा और सिर्फ यीशु का आत्मा हमारे दिल में बसेगा, हमारे जीवन में बसेगा। प्रभु हर एक को आशीष मिले, कोई मुसीबत और तकलीफ में है तो आज हम आराधना करते हैं और महिमा करते अपने मुसीबत और तकलीफ में, क्योंकि तू हमारे साथ में है और जीत जरूर से होगा। कोई बीमार है प्रभु तो इसी वक्त चंगाई को पाए, हर एक पीड़ा दुख तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से, और प्रभु तेरे नाम से चंगाई को पाकर पूरे तौर से आज तेरे जो अच्छी तंदुरुस्ती है उसको पा सके, ताकि तुझको महिमा और आराधना स्तुति हो। प्रभु कोई दुख और तकलीफ में भी है तो शांति मिले, और वो इस बात को जाने कि उनके दुख और तकलीफ में भी तू उनके साथ साथ में है, गले से लगाता है और शांति को देता है। प्रभु जैसे आज हम वचन को सुनेंगे, तेरे आत्मा की अगुवाई इसी तरह से हमारे बीच में रहे, तेरे सेवक पर तेरे अभिषेकता रहे, जैसे वो आएगा वचन को प्रचार करने के लिए तो प्रभु जो वचन हमारे बीच में बांटा जाएगा, बोलने वाला तो मनुष्य लेकिन प्रभु जिसका वचन है वो तू ही है,
और परमेश्वर तेरी जो जीवित वचन है उसको हम सुनेंगे। हमारे दिल को तैयार को कर ताकि तेरे करीब आ सके और तेरे जैसा बन सके। इस पूरे सभा को, हर एक लोग जो यहाँ पर इकट्ठित है प्रभु, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा जो आत्मा हमारे बीच में इस तरह से काम करते रहे। धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए। इस पूरे सभा को, हर एक को तेरे सुंदर चरणों में हम देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमेन, आमेन। क्यों ना जो दाता के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु अच्छा है। आप सब बैठ सकते हैं और हमारे बीच में हमारे सहायक पादरी पादरी शैलेश आता है आज का वचन को प्रचार करने के लिए। परमेश्वर का आशीष आप सभी को मिले इस वचन के द्वारा। प्रभु की जय। आमेन। खुश हूं आपको देखकर। और आज परमेश्वर ने हमें एक और तोहफा दिया, एक और दिन दिया है उसकी महिमा आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। एक दूसरे घूम कर मुस्कुरा दो। आपका शायद चेहरा में मुस्कुराहट नहीं दिखाई तो ऐसे कर देना कि सब ठीक है। ऐसे अगर कोई सुंदर लगता है तो ऐसे कर देना, ऐसे अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट। बाइबल को खोल ले। गलतियों की किताब गैलेशियंस चैप्टर वन। गैलेशियंस चैप्टर वन और पढ़ेंगे वर्स 11 से लेकर वर्स 17, फिर वर्स 22 से 24। तो वही चैप्टर में गैलेशियंस गलतियों की किताब चैप्टर वन वर्स 11 से 17 पहले हम पढ़ेंगे। अंकल नवेंद्र को हम आग्रह कर गलतियंस गलतियों की किताब 1:11। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाए लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। थैंक यू। किन्हीं हम प्रार्थना कर लें। परमेश्वर का वचन था। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें ये वचन को दिया है अपने ओर से, हमारे लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमें सुधारने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ में अपने पवित्र आत्मा को दिया हमें, हमें शिक्षा देने के लिए। और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें मदद कर कि हमारे अपने हृदय को खोले आपके वचन की ओर और स्वीकार करें एक जीवित वचन, अपने जीवन में कैसे लागू कर सकेंगे। धन्यवाद अपने पवित्र आत्मा से हमें मदद कर। आपका वचन पर आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
तो ये गैलेशियंस जो पद हम पढ़े, पौलुस लिखता है, गलतियों की किताब अगर आप नहीं जानते तो पौलुस लिखा है, और पौलुस एक पत्र लिखा है जो चर्च गैलेशियन गैलेशिया या गलतिया एक जगह है, वहाँ पर कलीसिया उनके उनके प्रति ये पत्र लिखा है। और अगर आप इनफेक्ट इसमें खास कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप चैप्टर वन शुरू से पढ़ेगा तो आपके पता लग जाए कि पौलुस इला पत्र क्यों लिखा था। बिकॉज अगर आप शुरू से पढ़े, मैं आग्रह करता हूँ आप पूरा चार चैप्टर है सिर्फ इस सॉरी छः चैप्टर है, अपने समय लेकर घर पर जाकर आस्ते आस्ते पढ़ना। क्या होता है कि ये कलीसिया जो मसीह विश्वासी गैलेशिया में है, वे आस्ते आस्ते परमेश्वर का जो वचन है, उसका सुसमाचार है, जो परमेश्वर से रिश्ता है, उससे अलग होने लगे, भटकने लगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह तरह का शिक्षा कलीसिया में आने लगा, उनके जीवन में आने लगा। और क्या होता है कि अपने जो पुराने जो परदादा और पिता का जो धर्म कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, वो सब आने लगा कलीसिया में, और परमेश्वर से जो रिश्ता था वो किनारे होने लगा। और उनके लिए नियम और जो रीति रिवाज है, जो चीज़ हम करते आए, ख्याल करना ये यहूदी लोग हैं, तो उनके जो पुराने जो नियम है और जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, ऐसे ऐसे करना है बतावा गया, कितना सौ जो नियम्स और कानून लोगों का था, ट्रेडिशंस कस्टम्स, उनमें वे जस्ती ध्यान देने लगे। उनके लिए ये करना और इम्पोर्टेंट है, और परमेश्वर से बातचीत करना, उससे रिश्ता करना, उससे प्रेम करना, वो किनारे होने लगा। और पौलुस को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पर कलीसिया में होता है, तो ये पत्र लिखता है उनकी ओर, उनके लिए। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पौलुस सिर्फ एक लेटा है, पत्र ऐसे खाली लिख नहीं दिया है। उसका जो गुस्सा है, उसका जो निराशापन है, डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन, वो सब इसमें उतार दिया ये पत्र में। अगर अच्छे से पढ़ेगा आपके पता ली कि कितना कड़ा रूप से बीट अराउंड नहीं करिस, इधर उधर सीधा तीर मारिस, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कड़ा शब्द में इस ये पत्र को लिखिस। और इवन अगर आप पूरा एंड ले पड़ेगा आपको पता लगे कि अपने लिखा उसमें चैप्टर सिक्स में आपको मिलेगा कि बोले हम देखो हम कितना बड़ा बड़ा लेटर्स में लिखा है। बिकॉज वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना गुस्सा में, हमारा एक बॉस रहा पहले, तो वो जब गुस्सा हमरे या कोई के डांटे मांगे ईमेल करी तो अपन जो टाइपिंग फॉन्ट्स भारी कर दी, बोल्ड कर दी, कैपिटल में लिखी, और कभी एकदम गुस्सा ही तो एकदम रेड से कर दी कि माए, और डांटी और सबके भेज दी कि ये ऐसे है नो लाइक वो गुस्सा में है कि हम कुछ राइट से करा नहीं, उसके वे ऑफ हमों के। और अगर उसके सामने पड़ गया तो कान बहरा जी जब चिल्लाई, बट वो जब ईमेल करी ऐसे करी। और मैं सोचने लगा पोल या चैप्टर सिक्स में लिखी कि मैं देखो बड़ा बड़ा लेटर्स में अपने हाथ से लिखता हूँ, वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा और निराशापन ये कलीसिया की ओर लिखता है और बतलाता है कि क्यों कि तुम कितना गलत हो गए, कितना रास्ता से भटके लगे हो, क्योंकि जो परमेश्वर का शिक्षा है, परमेश्वर का रिश्ता है, वो किनारे होने लगा है। और सब चीज़ जो तुम्हारे जो रीति रिवाज है, कस्टम्स ट्रेडिशंस और ये करना वो करना, वो सब और जस्ती इम्पोर्टेंट होने लगा है। और ये
हम गलतियाँ बोलते हैं हिंदी में, तो ये सॉर्ट ऑफ अच्छा है कि गलत थे ये लोग, और पॉल पोलिस मार के उनको नहीं बताता कि हाँ तुम बेटा तुम मिस्टेक करता है, यू नो ऐसे नहीं करो, इसमें सीधा अगर वो सामने उनको रहता तो सीधा छपकी लगा देता उनको, इतना गुस्सा में था। और जब हम ये पद जो पढ़े हैं वर्स 11 से, पौलुस कहता है उनसे कि आई मेक नोन टू यू ब्रदर दैट द गॉस्पल विच वॉज प्रीच बाय मी। ख्याल करना पौलुस ये कलीसिया को शुरू में जाकर यीशु मसीह को बताया, ये लोग को यीशु मसीह के बारे में बताया और वहाँ कलीसिया स्थापित किया, और पौलुस उनको बतलाता है कि जो जो सुसमाचार में प्रचार किया हो मैं अपने कहीं इसे नहीं लेके आ रहा हूँ, अपना दिमाग अपने बुद्धि नहीं यूज किया हूँ, जो कुछ मैं बताया हूँ और सिखाया हूँ वो सब परमेश्वर से आता है, और सुसमाचार मनुष्य नहीं और मुझे कोई सिखाइश नहीं, लेकिन जब मैं यीशु मसीह से मुलाकात किया। अब ख्याल करना पौलुस के जब जीवन की कहानी आप जानते हैं, तो पौलुस एक बुरा व्यक्ति था और यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको रास्ता में रोका और उससे बातचीत किया, और उसके बाद पौलुस का जीवन बदल गया। और वही चीज़ पौलुस उनसे कहता है कि देखो मुझे हमारे लिए ये वचन है परमेश्वर का वचन न्यू टेस्टमेंट सब उस समय नहीं था, और पौलुस तो पौलुस एक ही व्यक्ति था जो कई बुक्स लिखा है, तो उस समय न्यू टेस्टमेंट नहीं रहा। तो अगर वे बोले कि काश तुम्हें मिला है ये इन्फॉर्मेशन ये सुसमाचार, पौलुस कहता है मुझे कोई और से नहीं मिला है, मुझे कोई सिखाया नहीं, मुझे डायरेक्टली यीशु मसीह से मिला है। तो पहला चीज़ हम जो देखते हैं पौलुस वर्स 11 से कहता है कि पहला चीज़ जो जो सुसमाचार है वो कोई मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट आया है। दूसरा चीज़ वो कहता है वर्स 12 में कि डायरेक्ट यीशु मसीह से आया, वो जो प्रकाश मिला उससे रेवलेशन आया यीशु मसीह रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट डायरेक्ट परमेश्वर। और मेरे ख्याल से पौलुस था जो आखिरी व्यक्ति था जो यीशु मसीह को देखा, बट पौलुस के जीवन में एक धमाल से यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया और उससे बात किया, और सब लोग के सामने यीशु मसीह सिर्फ आ गया, लेकिन पौलुस के आप जानते हैं वो गधा में से गिरा था और ज्योति चमका और वो अंधा हो गया था और परमेश्वर से बात किया और दिखाया यीशु मसीह को ने, तो पौलुस के जीवन में ऐसा हुआ था। तो पहला चीज़ हम देखते हैं कि पौलुस सुसमाचार के बारे में बात करता है कि सुसमाचार किसी मनुष्य का नहीं है, किसी चीज़ का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की ओर से आया और वो यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ वर्स 13 से हम पढ़ते हैं कि पौलुस अपना प्रमाण देता है, कहता है कि तुम जानते हो कि मैं यहूदी पहले था, और आप अगर पौलुस के बारे में अच्छे से जानते तो वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जो परमेश्वर का नियम था, जो रीति रिवाज था, उनके पुराने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स था उसमें वो सबसे टॉप में था, गुरु था। तो ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं था पौलुस, और वो इतना हद तक ये रीति रिवाज और नियम अपने जीवन में लागू करता था कि उसके लिए अगर तुम यहूदी नहीं है, तुम जो नियम है जो जो रीति रिवाज है परमेश्वर का अगर वो नहीं ठीक तरह से करते हो तो तुम अन्य वो है तुम लायक नहीं है। और इतना हद तक जाता था कि जो कोई विरोध करता था उनको मरवा देता था। और पौलुस वही चीज़ कहता है कि हम इतना लगन से इतना जोश में अपना जो रीति रिवाज नियम को और जो जुडाइज्म है जो यहूदी
जो संस्था है उसको मानता था, और ऐसा भी था कि वो कलीसिया को नाश करता था, जो मसीह विश्वासी था उनको मरवाता था, मारता था। तो बेसिकली एक टेररिस्ट स्टाइल हो गया, आतंकवादी हो गया, इतना वो पैशनेट था जुडाइज्म में, रीति रिवाज नियम में। और वो सोचता था कि बाकी लोग को हक नहीं है जीने के। लेकिन वर्स 15 में कहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा द्वारा अपने समय में मुझे ठहराया, पौलुस का प्रमाण है कि मैं इतना गिरा, इतना बुरा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे ऊपर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे माँ के गर्भ में ठहराया और मुझे अपना अनुग्रह से बुलाया, बचाया। जी वो लायक नहीं था, परमेश्वर के विरोध में था, कलीसिया को नाश करता था, मसीह विश्वासियों को मारता था, फिर भी यीशु मसीह उसको अपना अनुग्रह दिखाया, प्रकट किया और बचाया उसको। ये तीसरा चीज हम सीखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह। फिर वे 16 से हम देखते हैं कि टू रिवील हिज सन इन मी, उसका सन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, दैट आई माइट प्रीच हिम अमंग द जेंटाइल्स। अब जिसको वो मारता था, जिसको वो नफरत करता था, जिन लोगों को नफरत करता था, जब यीशु मसीह से उसका टक्कर हुआ, उसका मुलाकात हुआ, जब उससे भेंट हुआ, अब वही चीज अब ऑपोजिट करता है, वही लोगों के पास वो जाकर अब सुसमाचार प्रचार करता है। तो इसमें जो फोर्थ थिंग है, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह से वो मुलाकात होता है, उसका जब जीवन बदलता है, तो परमेश्वर का जो इच्छा है उसके जीवन में, उसका जो पर्पस है, वो पूरा होता है उसके द्वारा, पौलुस के द्वारा। और वो जाता है लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाने। अगर आप अच्छे से देखेंगे वे 16 में, वो जब यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो, वो जान लिया यीशु मसीह का इच्छा क्या है, तो वो मनुष्य का परमिशन नहीं वेट करा कि बोले अच्छा राइट, हमें अलाउंस दे दी या शायद हमें तलब दे, हम जाई कहीं प्रचार करिए यीशु मसीह के बारे में बताई, या हमें कुछ ट्रेनिंग दे या कुछ ट्रिक्स दे। पौलुस कहता है कि मैं कोई मनुष्य या मांस और लहू, मीनिंग मनुष्य मैन या कोई अगुआ या कोई टीचर, उनसे नहीं बात किया कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। लेकिन पौलुस कहता है मैं तुरंत गया ऐसा जगह नहीं जहाँ क्रिश्चियंस लोग ढेर हैं, दूसरे चर्च में नहीं गया कि वहाँ जाकर प्रचार करी, पादरी लोग के जहाँ ढेर पादरी लोग इकट्ठे इकट्ठे चेले लोग हैं, अपोस्टल्स लोग हैं, वहाँ नहीं गया, उनके पास नहीं गया कि हम मतलब प्रीचिंग करें। बाइबल कहता है वर्स 17 में, बट आई वेंट टू अरेबिया, मैं अरब गया। पौलुस को जब यीशु मसीह मुलाकात हुआ, जब उसका जीवन बदला, वो सीधा तुरंत अरब गया। अरब, आप जानते हैं अरब क्या है, कहाँ है, सीधा शेर के मुंह में गया यीशु मसीह के वचन लेकर। कंफर्ट नहीं देखा कि ओ मैं पहले जाई जहाँ पर ढेर क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ थोड़ा प्रचार कर दी, थोड़ा हमारा नाम हो जी, तब हम जाई भारे शायद जहाँ पर हमें अच्छे से लोग स्वीकार करी। पौलुस सीधा गए शेर के मुँह में यीशु मसीह के वचन को लेकर, और वो जो उसका मकसद था जीवन का, जो ग्रेट कमीशन सुसमाचार प्रचार करना, वो शुरू किया। और फिर हम आते वर्स 22 और वर्स 23-24 में, पौलुस कहता है कि मैं जगह जगह जहाँ जहाँ प्रचार किया, मैं अनजान था, लोग मुझे शायद चेहरा से नहीं पहचानते थे, लेकिन वे सुनते थे कि ये व्यक्ति जो एक समय टेररिस्ट था, आतंकवादी था,
जो मसीह विश्वासियों को मारता था, मरवाता था, जो कलीसिया को नाश करता था, वही व्यक्ति अब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। हमारे जो विश्वास है, जो परमेश्वर पर उसके बारे में बतलाता है, तो वे क्या किए? पौलुस को बढ़ाई दिया, उठाई दिया, उसके नाम के बिल्डिंग बनाई दिया या ऐसे कुछ नहीं। बाइबल कहता है वर्स 24 में, इन द ग्लोरिफाइड गॉड। इसमें पौलुस के कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का महिमा। ये फिफ्थ थिंग हम देखते हैं ये पद में से। पहला चीज सुसमाचार, दूसरा चीज यीशु मसीह की ओर से आया सुसमाचार, थर्ड थिंग ना कि हम बचे परमेश्वर के अनुग्रह से, फोर्थ थिंग है कि जब हम परमेश्वर से मुलाकात, यीशु मसीह से मुलाकात होता है, हमारे जीवन बदलता है, हमें प्रचार, जैसे पौलुस निकला प्रचार करने, यीशु मसीह का वचन को बांटने, और पांचवा चीज है कि परमेश्वर का महिमा हो पर पौलुस के जीवन से। ये पौलुस का टेस्टमनी है। मैं पानी पी लेता। पौलुस के जीवन से हम कई चीज सीख सकते हैं। महान व्यक्ति था पौलुस, परमेश्वर उसको कई तरह से यूज किया। हम यहाँ पर मैसेज सकता फिनिश कर दें और हम उन परमेश्वर के धन्यवाद दे सकते हैं पौलुस के जीवन के लिए, लेकिन ये मैसेज अधूरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैसेज कहीं भी आपको मिले, चाहे वचन आप कुछ भी पढ़े, कहीं भी सुने, वो जो निशाना है घुमाकर अपने हृदय में लेकर आना है, बंदूक अपने ऊपर पॉइंट करना है। क्योंकि हमें सीखना है हमसे क्या बात करता है, हमारे जीवन में कैसे लागू करता है। पहला चीज गॉस्पल, सुसमाचार। अब सोचे कई लोग कई साल से कलीसिया आते, अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, बट समझ नहीं पाया है कि सुसमाचार क्या है, गॉस्पल क्या है। और वही चीज के पीछे पौलुस इतना गुस्सा था, गुस्सा में था, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे। क्योंकि अगर आप उससे पहले वर्स 1 से पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि दूसरा और सुसमाचार आ गया तुमके बीच में, लेकिन और एक को सुसमाचार नहीं है। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जो गुड न्यूज हम कहते हैं गॉस्पल। अब हम क्रिसमस के समय आते हैं, हम जानते हैं, हम वो पद को पढ़ते हैं, गीत को गाते हैं, स्वर्गदूत आया, वो जो चरवाहे थे, चरवा शेपज थे ना, शेपज, और स्वर्गदूत आया और कहता है कि डरो मत, हम सुसमाचार लाए, गुड न्यूज को लाए, नाजरत में एक मंजा में एक बच्चा जन्मा है जो उद्धार देगा, जो मुक्ति देगा। सुसमाचार क्या है? कई लोग सुसमाचार को प्रचार करते, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, वो गलत है। यीशु मसीह आपको आशीष देगा कि सब समस्या हटाएगा, अच्छा जीवन देगा, आपका प्रोस्पा करेगा, आपके बढ़ंती हुई सब चीज में, धन दौलत में, आपका परिवार बड़ी, घर हुई, मोटर, ये सब गॉस्पल नहीं है, ये सब गलत है। और वही चीज पौलुस गुस्सा में था, क्योंकि ये सब लेकर लोग ठान लेते, ओ हाँ ये सुसमाचार है। कई पुलपिट में, कलीसिया में लोग जाते, बताते हो चेचाओ तुम्हें चंगाई मिली, प्रार्थना करेगा तुम्हें काम नौकरी मिल जी, तुम्हारा परिवार सब राइट हुई जी। पौलुस गुस्सा में था। हमारे जो पुराना रीति रिवाज, जो पहले कस्टम, जो जन्मा बाप दादा सब करते थे, वो सब आने लगा।
सिर्फ कलीसिया में नहीं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, घर में सुसमाचार, जो पौलुस जिस पर गुस्सा होता था, सुसमाचार क्या है? अगर नहीं जानते जान लो, सुसमाचार है कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम किया, हद से ज़्यादा प्रेम किया, अपना बेटा पृथ्वी पर भेजा। सुसमाचार क्या है कि वही बेटा उस क्रूस पर चढ़ा, अपना लहू बहाया, तीसरे दिन बाद जी उठा। वो कौन था? परमेश्वर का पुत्र था, यीशु मसीह। क्यों आया? क्यों आया? हमारे लिए, मनुष्य के लिए। कोई जाति के लिए नहीं आया, पूरा दुनिया के लिए आया, हर एक जन के लिए। क्यों उस क्रूस पर मरा? हमारे चंगाई के लिए, गलत। हमारे अच्छा जीवन के लिए, आराम के जीवन, गलत। वो आया उस क्रूस पे मरने के लिए, अपना लहू बहाया। क्यों? हमें पाप से क्षमा देने के लिए। वो आया हमारे जो टूटा रिश्ता है उसको जोड़ने, परमेश्वर से। तीसरे दिन बाद जी उठा। वो सुसमाचार अधूरा रहेगा जब तक हम उस सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, यीशु मसीह से और परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे। जब तक हम वो नहीं करेंगे, वो सुसमाचार अधूरा रह जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह अपना काम कर दिया है, रास्ता को बना दिया परमेश्वर से रिश्ता रखने के लिए। अब मनुष्य की दूसरा स्टेप लेना है, मनुष्य के काम है, हमारे काम है, आपके काम है, वो जो यीशु मसीह क्रूस पर किया है उसको स्वीकार करना है विश्वास से, और कहना है परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, हम पापी लोग हैं, अपना लहू जो क्रूस पर बहाया धन्यवाद उसके लिए, वो सब पाप हमारे धो देता है। ये सुसमाचार है और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। और दूसरा चीज़ पौलुस वही चीज़ कहता है कि ये सुसमाचार कहीं से नहीं आया, कोई बनाया नहीं इसको, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाश, रिवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह से शुरू होता है, यीशु मसीह से अंत होता है, और किसी और से नहीं, और किसी कारण नहीं, और किसी चीज़ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार कोलोसियंस में चैप्टर 1:16 बतलाता है यीशु मसीह का जो इम्पोर्टेंस या उसका रोल। आप जान लो कि यीशु मसीह शुरू अंत हमारे जीवन के, हर एक चीज़ यीशु मसीह के ओर से, हर एक चीज़ यीशु मसीह के द्वारा, हर एक चीज़ यीशु मसीह के लिए, बाय क्राइस्ट, फ्रॉम क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट। आपके पास जो कुछ है यीशु मसीह के ओर से, उसके द्वारा आपको हासिल हुआ है, उसके लिए आपको हासिल हुआ है। आप जिंदा है, हम जिंदा है, इस पृथ्वी में, इस कलीसिया में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के कारण, उसकी ओर से आपका जीवन है, उसके लिए हमें जीना है। कोलोसियंस चैप्टर 1:6, हम अपने नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसी में सारे वस्तुएं की सृष्टि हुई, ये यीशु मसीह के बारे में बोलता है। स्वर की, अंकल आप पढ़, माइक है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, स्वर की हो, अच्छा अंकल पढ़, क्योंकि उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हम घर प्रैक्टिस करा, बट फॉर बाय हिम ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड, that are in heaven, that are on earth, visible, invisible, whether thrones, dominions, principalities or power, har ek cheez
क्रिएटेड बाय हिम, उसकी उसकी ओर से. क्यों? ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड थ्रू हिम, यीशु मसीह के द्वारा, और फॉर हिम, उसके लिए. हमारे जीवन आप जान लो उसके लिए. यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे राइट राउंड, सब चीज़ यीशु मसीह होना चाहिए. और पौलुस वही चीज़ गुस्सा में था कि और बाकी चीज़ आ गया, यीशु मसीह किनारे हो गया. हमारे जीवन में यीशु मसीह कहाँ है? सब चीज़ उसका होना चाहिए, उसके द्वारा, उसके लिए होना चाहिए. तीसरा चीज़ हम देखते हैं पौलुस का जो प्रमाण था कि वो कितना बुरा व्यक्ति था, और फिर जब यीशु मसीह, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आया, अनुग्रह के द्वारा वो बचा. वो नालायक था. वैसे हम और आप, सीधा बात हम कह रही, हम सब नालायक, निकम्मे, बाइबल के शब्द है. लेकिन बाइबल कहता है कि हम पाप में थे. जब हम पाप में थे, हम जब गिरे थे, दूर रहे, कीचड़ में थे, निकम्मे थे, नालायक थे, तब यीशु मसीह अपना प्रेम प्रकट किया हमारे लिए, क्रूस पे मरा. हम अपने बेटे बच्चे को या कोई किसी अपने पति पत्नी, जब कुछ अच्छा होता है उनका बर्थडे या अच्छा मार्क्स लेता है, अच्छा बात सुन लेता है, तो हम कुछ अच्छा तोहफा देता है, आइसक्रीम का ट्रीट देता है. लेकिन परमेश्वर वो ने यीशु मसीह वो चीज़ नहीं किया. वो ने वेट करिस किया, वो कब हम अच्छा हो जाएंगे तब. लेकिन हम जब गिरे थे, नालायक थे, तब अपना अनुग्रह हमारे ऊपर, अपना प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया, और हमें वो रास्ता दिया कि हम परमेश्वर से एक रिश्ता रख सकते हैं. ये अनुग्रह परमेश्वर का, ये दो चीज़ यीशु मसीह, हर एक चीज़ में. और हम बचे हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और कुछ नहीं. ये दो चीज़ आप अगर सचमुच में हृदय में जान लेंगे, ठान लेंगे, समझ लेंगे, तो जैसे पॉल उस गधे पर घमंड से जाता था, और जब परमेश्वर का ज्योति उस पर पड़ा, वो गधा से गिरा, तो हमारे जो घमंड है कि हमारी सब चीज़ें, हम मेहनत करा, हमारे पढ़ाई है, हम वो घमंड सब गिरेगा गधा से. जब हम जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है हमारे जीवन में, जब वो हम पहचानेंगे कि वो हमारे राजा होना चाहिए, और हम अपने कर्म से, कार्य से, अपना मेहनत से, अपना भलापन, या हम सोचते हम अच्छा है, उससे कुछ नहीं हासिल किए, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और कुछ नहीं, कि आप बचे, आप यहाँ बैठा है. और जब सचमुच में आप ये जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके हृदय में एक उमंग रहेगा कि मैं जाकर लोग से बतलाऊंगा कि सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह क्या है. जब आप ये समझ लेंगे, तो आप जाकर लोग से बताएंगे कि तुम चेचा, तुम चंगाई पाएगा, वो चीज़ नहीं रहेगा. तुम बोलेगा तुम्हें यीशु मसीह ज़रूरी है. तो तुम यीशु मसीह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तुम्हें परमेश्वर से एक रिश्ता चाहिए, और वो रिश्ता सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है. यही सुसमाचार है. और पौलुस यही चीज़ गुस्सा में था कि क्योंकि लोग डिफरेंट प्रीचिंग के तरह, और उस समय नहीं, अभी भी कलीसिया में लोग जो गॉस्पल है, सुसमाचार को ट्विस्ट करके मनुष्य को पोलिस मारते, कि मैं उनको अच्छा लगे कि ओ हाँ, हमसे चार अच्छा मैसेज रहा. अगर हम पौलुस के एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, जिसे हमने कहा कि हम निकम्मे लोग हैं, गिरे लोग हैं, नालायक लोग हैं, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम के द्वारा हम हैं. और वो प्रेम जो यीशु मसीह और परमेश्वर की ओर से आया, जो हम महसूस किए, अगर सचमुच में महसूस किए, तो हम वो प्रेम और वो यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह लोगों के पास ले जाएंगे. और कुछ नहीं उनको बताना है. हम जगह जाएंगे, जो यीशु मसीह जो ग्रेट कमीशन दिया था, जहाँ पृथ्वी छोड़ने से पहले उसने कहा कि सब अधिकार मैं दे दिया हूँ, कि जाओ
और लोग को बतलाओ यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार, और उनको चेला बनाओ। और पौलुस वही चीज करा, हमें अगर सचमुच में यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाया, सचमुच में अगर हम उसके उसके हो गए, अपने आप को समर्पण कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये होगा। किसी का परमिशन नहीं चाहिए आपको। जहाँ भी आप रहेगा, आप कोशिश करेंगे यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। कहीं भी रहेगा, आप जनवाएंगे कि आप, मैं यीशु मसीह विश्वासी हूँ। अगर नहीं ये चीज़ आपके जीवन से होता है, तो आप रिवर्स आओ, पीछे आओ, देखो कहाँ पर तुम भटक गए, कहाँ पर गड़बड़ी है, क्या तुम्हारा मोटिव क्या है। और लास्ट में सब चीज होने पर हमारे जीवन, हर एक चीज में जो कुछ हम करते हैं, उसमें परमेश्वर का महिमा होगा। और उसने कहा, मैं कम हो और परमेश्वर बढ़ते जाओ। हमारे जीवन से वही चीज होना है, हम कम, हम इनसिग्निफिकेंट, लेकिन हर एक चीज में यीशु मसीह, हर एक चीज में यीशु मसीह, हर एक बात में यीशु मसीह, हमारे जीवन से उसके महिमा होना चाहिए। ये सुसमाचार, यीशु मसीह वही है, लोगों को जरूरी है यीशु मसीह। किसी ने कहा, अगर लोग, मनुष्य को बुद्धि को जरूरी था, तो वो एक आज्ञापन, एक साइंटिस्ट या कोई गुरु भेजता, जो बुद्धिमान व्यक्ति था लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगर ऐसे एक दो चीज और रहा, लेकिन मनुष्य को क्या जरूरी था, वो पाप से क्षमा और परमेश्वर से रिश्ता टूटने, तो अब यीशु परमेश्वर ने अपना बेटा को भेजा जो वो रिश्ता को जोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड, ये यीशु समाचार, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं कोई से बात करना है, प्रचार करना है, पादरी के काम नहीं है, हमारे और आपका काम है यीशु मसीह का नाम को उठाना है, उसका सुसमाचार को प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाएं, मैं दोहराता हूँ जो सुसमाचार क्या है। जैसे पादरी आता है, सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे, गिरे हुए लोग, निकम्मे लोग, नालायक लोग से प्रेम किया, और अपना पुत्र, एक ही बेटा को बलिदान कर दिया, क्योंकि हम जब उस पर विश्वास करेंगे, हम नाश नहीं होगा, हमें नया जीवन मिलेगा परमेश्वर के साथ, हमारे जो टूटा रिश्ता है वो जुड़ जाएगा, हमारे सब पाप क्षमा हो जाएगा। ये सुसमाचार है, अपने आँख बंद कर ले, इस पर ध्यान दे। ये सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह और उस क्रूस के द्वारा है। देखिए हम अपने जीवन में कहाँ है इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब अपने सर झुकाकर आँख बंद कर लें, अपने ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है। मैं जानता हूँ वो तुमसे बातचीत करता है। सुसमाचार, सुसमाचार है, यीशु मसीह हमारे बीच में आया हमें पाप से मुक्त करने के लिए, रिहा करने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ प्रिय लोग, शायद आप भटकते उधर से उधर अपना रिश्ता ठीक करने के लिए परमेश्वर से। तुम पाप से छुटकारा जाना चाहते हो, बुरे आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो, सच्चाई को जानना चाहते हो, मार्ग को जानना चाहते हो। आज आपको बताया गया यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। प्रिय लोग, अगर आपने कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया,
सच्चाई को नहीं प्राप्त किया, अभी तक ढूंढते हो, अभी तक भटकते हो, आज आपके लिए मौका है। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, अपने हाथ को ऊपर उठाओ और कहो कि मैं चाहता हूं यीशु पर विश्वास करने के लिए, मैं चाहता हूं अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, मैं चाहता हूं अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाने के लिए, मैं चाहता हूं एक नया जीवन, मेरे लिए प्रार्थना करो। सिर्फ अपने हाथ को उठा लो और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया। सब लोग निश्चय जानते हैं, सब लोग परमेश्वर के सामने बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा रिश्ता ठीक है। अगर नहीं, शायद ये मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। यीशु तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम आज हो यहां पर। अगर कोई आज इसको सुनता है, चाहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने के लिए, यीशु तुमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं नहीं जानता हूँ, शायद कोई यहाँ पर है जो अपने पाप में है, भी छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन शायद किसी कारण से वो सामने नहीं आता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए। शायद कोई कमजोर है, शायद कोई बुरे आदतों में फंसे हुए हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के, वे अपने हृदय को खोल कर तुम्हारे सामने आए और इस सुसमाचार को स्वीकार करें कि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया, क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय छुटकारा पाएगा, निश्चय अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद इसके लिए। हे परम प्रधान परमेश्वर, आज के वचन हमारे हृदय में बैठ। हम जो मसीह विश्वासी हैं, ये सुसमाचार को सिर्फ अपना कर नहीं रखे, स्वार्थी नहीं बन जाए, लेकिन ये सुसमाचार को हम बांटें, क्योंकि कई हजारों लोग हैं जो आज पाप में मर रहे हैं, नरक के तरफ जाते हैं। उनको कोई बताएगा तभी वे लोग जानेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र मुर्गी मुक्तिदाता है, और वो जिम्मेवारी तुमने हमें दिया है। जितने लोग आज यहाँ पर है, सबके ऊपर तूने ये जिम्मेवारी दिया है कि जाओ, प्रचार करो, बक्तिश्मा दो, उनको सिखाओ जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया। ये जिम्मेवारी हमारा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि सब वसी विश्वासी इस जिम्मेवारी को ले लें और इस हफ्ता भर से कोशिश करें निकल कर जाकर किसी को अपना अनुभव बताने के लिए, किसी को बताने के लिए कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद। आप बैठ जाए। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बड़ी सरल रूप से सुना, क्यों इस पृथ्वी पर आया, पौलुस के गवाह, हम सब मसीह विश्वासी हैं और ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग भरसक कोशिश करें यीशु के विषय में चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, हमें छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। निमंत्रण दे उनको, बुला कर लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, हम सबको स्वागत करते हैं आज इस सभा में। बहुत ही खुश हो कि आज हमारे साथ में आप हैं जो ऑनलाइन इस सभा में भाग लेते हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं। बहुत ही खुश हैं कि आपने समय निकाल कर और इस सभा में भाग लिए, और आप भी अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में और जानना चाहते हो निश्चय हमसे संपर्क करें। हम स्वागत करते हैं खासकर
पार्वती नारायण जो कोरिनी भी ऐसे हमारे साथ में आ रहा हूँ, पार्वती नारायण ऑलराइट वहाँ पर बैठी है, बहुत ही खुश है हम लोग आप आए यहाँ पर, ताली बजाकर स्वागत करें। ब्रदर नित्या के आजी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत खुश है कि आप हमारे साथ में हैं, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। कोई और है आज जो शायद पहली बार आए यहाँ पर, हाथ उठाओ, नाम नहीं मिला हमें, ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। इस समय मैं सबों को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर है, और इस हफ्ता का जो सूचना है उसको मैं देना चाहता हूँ। हमारा दूसरा सभा रहेगा 11 बजे, और उसमें आप सब भाग सक ले सकते हो, अंग्रेजी सभा है, निमंत्रण है आपको आकर इसमें भाग लेने के लिए। शाम के जो सभा यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन 6 बजे गूगल मीट के द्वारा हमारा जो मेल मिलाप का सभा वो रहेगा। प्लीज़ आप लोग इसमें भाग ले सकते हो, एक घंटा के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो कुछ है उसके द्वारा आप हमसे हमारे साथ में मिल सकते हो और सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखोगे, प्रमाण सुनोगे और परमेश्वर के आशीष आपको मिलेगा। सर 6 बजे से रहेगा, सबको निमंत्रण है इसमें भाग लेने के लिए 6 बजे से, और हम लोग खुश है कि कई एक लोग इसमें भाग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से इसमें भाग लेते हैं, और यहाँ फिजी में कई एक लोग भाग लेते हैं, आप जो लोग भाग लेते हो आई एम श्योर आप उसमें आनंद उठाओगे। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ आज इसमें भाग लेने के लिए। और बाकी सब डिपार्टमेंट्स जो है बुलेटिन में आप देख सकते हो, उनके विषय में लिखा हुआ है कि जितना डिपार्टमेंट है सब गूगल मीट के द्वारा रहेगा ऑनलाइन, और इसके विषय में कैसे उसमें आप भाग ले सकते हो, अपने एरिया मिनिस्टर से या अपना डिपार्टमेंट हेड से आप बात करो, पूछो उनसे कि कैसे इसमें हम लोग भाग ले सकते हैं। मैं खुश हूँ कि जो डिपार्टमेंट मीटिंग है उसमें कई एक लोग भाग लेते हैं, और उससे ज़रूर वे फ़ायदा उठाते हैं, सबको इसमें भाग लेने के लिए निमंत्रण है। इस हफ्ता जो चर्च के सफाई फूल रखने का काम है, किसके किनोया, सॉरी किनोया लोधाला बीच, किनोया लोधाला बीच ग्रुप जो है बहुत खुश है, जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ पर, एक एक एरिया के लोग चर्च सफाई करने के लिए, फूल रखने के लिए, और परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर रहे। इस हफ्ता किनोया लोधाला बीच, बाकी सूचनाएँ आप बुलेटिन में देख सकते हो, सब कुछ है यहाँ पर, और आप ले जाओ उसको अपने घर पर, इससे फ़ायदा उठाओ। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ पानी के बपतिस्मा के लिए, वोटर बैप्टिज़म हर एक मसीह विश्वासी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप प्रभु यीशु के विश्वासी हो, पुराने धर्म, पुराने चाल चलन सब कुछ त्याग कर यीशु के अनुसरण करते हो, तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरत है। और अभी तक अगर आप नहीं लिया है, पीछे वहाँ पर फॉर्म्स है, आप अवश्य से ले लेना, अपना नाम लिख कर उसमें वहाँ पर रख देना, हम लोग जल्द से जल्द पानी के बपतिस्मा के लिए तैयारी करेंगे, उसके विषय में हम लोग सूचना देंगे। धन्यवाद, ये सब है सूचना। और जितने बहन हैं आप लोगों के लिए एक सूचना है कि सभा के बाद 5 मिनट के लिए यहाँ पर वेट कर लेना प्लीज़, आप लोगों से कुछ बातचीत किया जाएगा, स्पेशल कुछ है एक बातचीत जो अभी सभा के बाद थोड़ा देर के लिए समय निकाल कर प्लीज़ रुक जाना, बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, ये सब है इस सप्ताह की सूचना है, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे, जबकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, आ जाओ सामने आ जाओ यहाँ पर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कोई बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, ऑलराइट, एनी क्यों नहीं हम लोग सब खड़े हो जाएं, और मैं अपने पति से कहूँगा कि वो आकर उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते सिस्टर गौरी के जीवन के लिए,
कि इतने वर्ष से तुमने सहारा मदद की अगुवाई कर, हम प्रार्थना करते कि तू कहीं एक और वर्ष उसके जीवन में जोड़ेंगे कि वह तेरी सेवा में तन मन धन से लगी रहे और तंदुरुस्त देना परमेश्वर की वह तंदुरुस्ती पाकर और तेरे नाम की प्रशंसा जय जयकार करते रहे। धन्यवाद यीशु, मैं इसको तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस। Praise the Lord, Hallelujah. आप अपना चंदा दशमांश अपने हाथ में ले लेना, हम लोग अभी सुबह समाप्त करेंगे और जो बैग्स है वहाँ पीछे रखा हुआ है आप इसे जाना तो उसमें छोड़ देना। और बहुत खुश हो जिस तरह से आप लोग अपना टाइड्स ऑफरिंग सब कुछ देते हो। एक सूचना और है, मेंस मिनिस्ट्रीज की तरफ से उनका क्विज रहेगा फर्स्ट वीक रहेगा, ट्रॉफी है फ्राइडे, ऑलराइट, फर्स्ट वीक दिसंबर में फ्राइडे के मेंस मिनिस्ट्रीज का क्विज और वे लोग कुछ ट्रॉफीज वगैरह कहेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंदा देने के लिए हम लोग तरह तरह से कोशिश किए हैं जब ये लॉकडाउन रहा, मदद करने के लिए डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट आप कर सकते हो, उसके इंफॉर्मेशन सब है, हम लोग दिया आपको, अगर आप चाहते हो तो हम लोगों से पूछ लेना। आप डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट कर सकते हो, अपना टाइड्स सीधा बैंक में कर सकते हो, या आप सकते हो एम पैसा के द्वारा, एम पैसा के भी नंबर है उसमें है, नोट कर लो। अगर एम पैसा से आप अपना टाइड्स भरना चाहते हो या ऑफरिंग देना चाहते हो या कोई भी चीज़ आप एम पैसा से कर सकते हो, और साथ साथ डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट, अच्छा बाद में वहाँ पर कर दिया जाए तो आप देखना। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और देखो यहाँ पर कई एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग चंगाई को प्राप्त किए, हम लोग खुश है। हम लोग प्रार्थना करें, अभी हम लोगों को खबर मिला है न्यूजीलैंड से कि ब्रदर एंड्रू प्रताप का देहांत हुआ है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको उसके परिवार को शांति दें। ब्रदर श्यामलाल उसका माँ, उसने मुझे बताया कि 96 ईयर ओल्ड माँ उसके, वो भी पिछले हफ्ता मर गई है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बाकी लोग जो बीमार हैं तकलीफ में हैं, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप देखते हो वहाँ पर नाम, आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, घर पर जाकर प्रार्थना करना, लेकिन हम परमेश्वर के सामने हम लोग इन नामों को रखते हैं, शायद सब नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन हम प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से तू महान है। हम लोग देख सकते हैं कि तू हमारे बीच में आश्चर्यकर्म करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तू आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लोग इसीलिए आते हैं तुम्हारे पास विश्वास करके कि तू उनके बीमारी से उनको दूर करेगा, उनके कठिनाइयों से दूर करेगा, उनके घटी को पूरा करेगा। और आज वे अपने नामों को दिए यहाँ पर, आप देख सकते हो परमेश्वर। और मेरा यही प्रार्थना है हर एक के लिए, जो कुछ भी उनका ज़रूरत है उनके जीवन में पूरा हो जाए, क्योंकि वे विश्वास से अपने नाम को दिए हैं। बीमार लोग हैं, यीशु के नाम से उनको छू दे परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारा चंगाहारा है, तू ही हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाला है। यीशु के नाम से इन नामों को हम तुम्हारे सामने रखते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु, तू उनकी चंगाई देना। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर श्यामलाल के लिए, उसके माँ के देहांत हुआ है, उसके परिवार में शांति आवे, श्यामलाल के हृदय में शांति आए। हम प्रार्थना करते हैं कि एंड्रू प्रताप के फैमिली, एंड्रू प्रताप का देहांत हुआ है, हम प्रार्थना करें कि उसके परिवार में भी शांति आए, कि वे अपने आँखों को उठाकर तुम्हारे ही तरफ देखें, क्योंकि तुझसे शांति मिलेगा, सहारा मिलेगा और सब कठिनाइयाँ दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है और इस सभा में भाग लिए हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा आशीष उनके ऊपर रहे, और जबकि वे यहाँ से निकल कर जाएंगे, जहाँ कहीं पर भी रहेंगे तुम्हारे उपस्थिति के आदर करेंगे, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ हमेशा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ कहीं पर हम लोग जाएंगे, हम लोग ये विश्वास करें, अनुभव करें कि तू हमारे साथ में है,
हमें सहारा देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, हमें बचा कर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये सब चीज़ में परमेश्वर और मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ कि जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उनके पास नौकरी है, बिजनेस है, जिसके द्वारा वे अपने घर के खर्च चलाते हैं, अपने जीवन का खर्च चलाते हैं, और तूने उनको दिया है, और आज वे विश्वास से, प्रेम से दशमांश लेकर आए हैं, क्योंकि वे विश्वास करते हैं उनका कमाई जो है वो तुम्हारे ही आशीष के द्वारा है, उनके जो उन्नति है वो तुम्हारे आशीष के द्वारा है, और वे अपने कमाई में से एक दसवां, अपने बिजनेस से एक दसवां हिस्सा निकाल कर लेकर आए यहाँ पर, जिसमें तुम्हारे भवन में कोई घटी ना रहे। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो प्रेम से अपना चंदा लेकर आए हैं, ये सब विश्वास से लेकर आए। मेरा यही प्रार्थना है परमेश्वर, इसको स्वीकार कर, और जैसे तूने प्रतिज्ञा दिया है कि देने वालों पर तू आशीष उंडेलेगा, तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे। धन्यवाद परमेश्वर, और सभी लोगों पर रहे जबकि वे यहाँ से जाएंगे, जानते हुए कि तू उनके साथ में हमेशा है। वचन पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे और उसके मुताबिक काम भी करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर के, आशीष आपके ऊपर रहे। बहुत खुशी हूँ कि आप आकर इसमें भाग लिए। बीच हफ्ता में जो ऑनलाइन मीटिंग्स है उसमें भी भाग लेना। जितने बहन लोग हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाना, 5 मिनट के लिए आपसे कुछ बातचीत किया जाएगा, और परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। माना है अपने पापों को तूने दी है माफी मुझको, चल रहा सुनी राहों पे तू ही है मेरा केवल राही। माना है अपने पापों क्या फिकर है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु, था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा, तू मेरा साथी यीशु। तो अब क्या फिकर है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति मैं हूँ पूरा, तू मेरा साथ।